ये तो खासियत है फिजिक्स की, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसमें क्या दिया है, क्या करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिजिक्स आ गया, उसमें कोई बड़ी बात तो है भी नहीं। ठीक है, हाँ, शो दैट, शो करना है, शो दैट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के लिए 2i + 3j + 6k, वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i - 6j + 2k एंड c वेक्टर 6i + 2j - 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल कितना होता है? अभी एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे जहां पे हम लोग ने पैरेलल शो किए, अब यहां पे परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को अगर मैं इस चीज में अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करूं तो मेरी इक्वेशंस बननी चाहिए, वही तो करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना पुट करते हैं हम लोग 90, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे गिवन, तो गिवन में क्या आएगा, दो तीन जो वेक्टर मेरे पास में लिए है ना, तीनों वेक्टर आएंगे मेरे पास में, तो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर क्या है मेरा 2i + 3j + 6k। ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया, बी वेक्टर क्या दिया है मेरे पास में 3i - 6j + 2k। ठीक है, और सी वेक्टर मेरे पास में दिया हुआ है जैसे 6i + 2j - 3k, बस आप लोग प्लस माइनस में गड़बड़ मत कर ले रहा हूं। ठीक है, हाँ, अब देख, अब मेरे पास में तीन वेक्टर है, अब तीनों वेक्टर को तो साइमल्टेनियसली साथ में सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को दो दो वेक्टर्स को सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि तू देख स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग दो दो वेक्टर्स लेकर के सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में तीन वेक्टर दिए हैं, तो तीनों मेरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, तो पहले दो वेक्टर अगर मान लो, तो दो वेक्टर अगर ले लो, तो दो वेक्टर का मैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि मैं देख 90, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, जब थीटा तेरा 90 डिग्री है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी क्रॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी क्रॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दूं मैं, थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दूं, तो कॉस 90 कितना, कॉस 90 कितना, जीरो, और जीरो इंटू ए बी कितना, मतलब मेरा डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, जीरो, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं, मतलब दोनों को डॉट प्रोडक्ट के साथ में सॉल्व करूं, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, तभी तो भैया 90 शो होगा। मैं समझा गया, cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 90, और जब मैं cos 90 पुट कर दूं तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय ab कितना हो गया 0, मतलब मैं दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, अगर जब मेरा आंसर अगर 0 आ गया तो क्या परपेंडिकुलर हो गए, अरे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखो ये a डॉट b वेक्टर है, अब a डॉट b वेक्टर है, तो मेरे दोनों वेक्टर को दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं, पहला वेक्टर है a, तो मैं a वेक्टर ले लिया उसे, तो a सॉरी a वेक्टर है मेरे पास में, दिस इज 2i + 3j + 6k। ठीक है, ये वेक्टर ले लिया मैंने, a डॉट किसके साथ में करना है, b, b वेक्टर कौन सा है मेरा 3i - 6j + माइनस में गड़बड़ नहीं बस। ठीक है, समझा गया, अब देख मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। ठीक है, चल देगा भाई, यहां से इसको सॉल्व कर दो, हाँ, ये इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन हमारी, सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टर्म का जीरो, तो यहाँ आई इंटू आई करना पड़ेगा, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और वर्क कितना हो जाएगा वन। ठीक है, मतलब टू इंटू थ्री करना पड़ेगा, तो टू इंटू थ्री कितना सिक्स हो गया, और आई इंटू आई किया आई स्क्वायर का वैल्यू कितना वन, तो ये दोनों का पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। अच्छा, ये टू आई और ये सिक्स जे क्या जीरो हो जाएगा, और ये टू आई और ये टू के कितना जीरो हो जाएगा फिर से। ठीक है, अब चले यहां से, तो थ्री जे और आई के साथ में जीरो, जे के साथ में जे हो जाएगा, तो जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा वन। ठीक है, चल देगा अच्छे से, तो कितना हो गया ये, दिस इज प्लस थ्री एंड माइनस सिक्स, माइनस 18, और माइनस 18 इंटू जे का जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर कितना हो गया, बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, और फिर से जे का के साथ में कितना जीरो, क्लियर हो रहा है। ठीक है, साथ में जब फिर से सामने चलेंगे ना, 6k और ये आई के साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में कितना हो जाएगा, अरे 12 होगा ना। ठीक है, और यहाँ गया प्लस 12 की माइनस 12, यहाँ गया तेरा प्लस 12 और के इंटू के वन हो जाएगा। ठीक है, चल देगा इधर, वैल्यू कितना आ गया 6 और ये 12 कितना हो गया माइनस 18 प्लस 18 होगा क्या ऐसे, तो ये कितना आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हुए, दोनों वेक्टर क्या हुए
क्लियर हो गया? हाँ, खत्म नहीं हुआ क्योंकि एक और बाकी है, ठीक है ना, एक और बाकी है, ठीक है। चले अब ए बी का हो गया, अब बी का क्या सी के साथ में कर दो, बी का सी के साथ में कर देना, ठीक है। चले कर दिन फिर से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, या बी वेक्टर डॉट सी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो कौन सा करो पहले, बी सी कर दो, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इसी को कितना आना चाहिए फिर से, जीरो। तो ये टर्म क्या बनेगी, बी सी कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो कॉस 90, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होगा, जीरो। फिर से मेरे को ये जीरो शो करना है, ठीक है। फिर से देखिए, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू बढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर से आ गया तेरा बी कितना, 3i माइनस 6j प्लस 2k, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से डॉट लेंगे हम लोग किसके साथ में, सी के साथ में, तो ये है तेरा 6i प्लस 2j माइनस 3k, क्लियर। चलिए फिर से वही टर्म सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग ने प्रीवियस में सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। तो 3 × 6 i × i और बन जाएगा, और कितना हो गया, 18 माइनस 6 × 2 माइनस, मैं डायरेक्ट करूंगा अभी चलेगा क्या, ठीक है, क्योंकि आई इंटू जे के साथ में तो वैसे भी जीरो, और आई इंटू के साथ में वैसे भी जीरो, ठीक है। मैं डायरेक्ट जे जे के साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया रे, 12, ये बोल कितना हो गया, देख इधर अच्छे से, तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, अरे होगा क्या, अब जैसे कितना आ गया, जीरो। तो ए कौन सा वेक्टर लिया मैंने, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो आंसर क्या लिखेंगे, हेंस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए एक और बच गया, कौन सा, ए सी, अरे एक और बच गया ना ए सी, तो फिर से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा, अरे क्लियर है, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना फिर से, जीरो। चलो क्या ये दोनों सॉल्व करने के बाद, दोनों पुट करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ये समझ में आया है, अरे समझा गया,